आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना इरादत नगर क्षेत्र ग्राम सिगैया का पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित परिवार द्वारा एसएसपी कार्यालय पर बैठकर न्याय के लिए गुहार लगाई गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि ग्राम प्रधान के भतीजे टीकम सिंह द्वारा उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। मामले में मुकदमा दर्ज होने पर भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। थाना इरादत नगर क्षेत्र ग्राम सिगैया का पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित परिवार द्वारा एसएसपी कार्यालय के बाहर बैठकर न्याय की गुहार लगाई गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि ग्राम प्रधान निरंजन सिंह के भतीजे टीकम सिंह द्वारा कुछ दिन पूर्व उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया था। पीड़ित परिवार का कहना है मामले में मुकदमा दर्ज होने पर भी स्थानीय पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ग्राम सिंह मेरा थाना है, रहने वाला वो भी नाम है मेरा, और मेरे भाई की लड़की को लेके भाग गया प्रधान का भतीजा। और जय काम उनका नाम टीकम सिंह का गोरे का लड़का है और निरंजन का भाई का लड़का है वो, और निरंजन प्रधान है जाकर मौजूदगी में। पीड़ित परिवार द्वारा एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर बाहर बैठकर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रधान निरंजन सिंह के भतीजे द्वारा परिवार पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी सहित दूसरी बेटी को अगवा करने की बात कही जा रही है। हम तो कागज ले ले, हमको घुसन नहीं दे रहे साहब, उनसे कोई बात नहीं करने दे रहे, हमारी मुलाकात नहीं होने दे रहे, हम अपने दुख को रो में उनको बतावे तो हमको घुसन ही नहीं दे रहे सरकार। हमारी दुआई है कि हमारी लड़की आ जानी चाहिए। दुमंग आदमी दूसरी लड़की को मन कर रहा है, उजगर कह रहा है अभी तो हम दूसरी लड़की को ले जाएंगे, अभी एक बार लड़की को लेगा हम दूसरी लड़की को ले जाएंगे। पीड़ित परिवार ने दबंगों पर जल्द कार्रवाई को लेकर एसएसपी बबलू कुमार से शिकायत की है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को शिकायत के बावजूद न्याय कब तक मिल पाता है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।